Let us start with chapter number 3, current electricity. फिजिक्स में हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उन दोनों को हमने एक यूनिट में डाला विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मीनिंग आप लोगों को समझाया कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी. जब तक हम लोगों ने चार्ज को स्टेशनरी रखा, मतलब हमने जो भी फॉर्मूलेज लगाया उन फॉर्मूलेज में कहीं पर भी हमारे पास वेलोसिटी वर्ड नहीं आया, एक्सेलरेशन वर्ड नहीं आया और करंट वर्ड नहीं आया, कहीं पर भी नहीं है. हमने जो भी फॉर्मूलेज लिखे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज के टर्म में था. ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, चार्ज के टर्म्स में था. फिर अपन ने पोटेंशियल देखा. जो भी अपन ने फॉर्मूलेज निकाले वो सिर्फ चार्ज के बेसिस पर थे. नन ऑफ द प्लेसेस हम लोगों ने कहीं पर भी ना करंट की बात करी ना वेलोसिटी की बात करी. ठीक, अब हम लोग हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे. और जब करंट आएगा मतलब चार्ज इज मूविंग. जब चार्ज मूव करेगा देन इट हैज वेलोसिटी, इट हैज एक्सेलरेशन. तो जो भी फॉर्मूले होंगे उनमें आगे जाके हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये वर्ड्स भी एड ऑन होना चालू हो जाएंगे. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला चार्ज का लेते हैं, करंट का लेते हैं. वॉट इज करंट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड डाल दें तो डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन डाल दिया. आगे क्यू का मतलब होता है एनी, तो फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी. यूनिट पता है हमें कि आई की यूनिट एम्पियर, इसका डायमेंशन भी एम्पियर के टर्म्स में रहता है. इसमें हम लोग कुछ बहुत नया बहुत यूनिक नहीं लेकर आए. करंट, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसीलिए सर्किट में हम लोग करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं. एक बात तो हम इस टर्म में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से फ्लो हो रहे हैं, इसलिए करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. और दूसरा, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जिसमें पोटेंशियल हाई हो. द करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक. करंट को हम लोग नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट. द करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट. ठीक, करंट के पास में मैग्नीट्यूड है, अपनी वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन है, हम बता रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट फिर भी हम कभी भी करंट को -1 -2 ऐसा रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं करते. सो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. हम ये भी नहीं बोलेंगे कि इट इज स्केलर, हम बोलेंगे इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एक क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट अ करंट, दैट कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है जिससे 1 एम्पियर करंट बनता है. स्टार्ट करिए.
फॉर्मूला रहेगा आप लोगों का आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी दैट इज एन ई बाई टी, एन हमें ढूंढना है तो आई टी अपॉन ई, करंट हमें 1 एम्पियर दे रखा है, बाय डिफॉल्ट टाइम हमने 1 सेकंड लिया, दिया नहीं उन्होंने 1 सेकंड अपन खुद ले लेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, आपको 1/1.6 करना है और फिर −19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। फाइनल आंसर 6.25 × 10⁻¹⁸ नंबर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब हमें टाइम की वैल्यू उन्होंने नहीं दी तो हम लोग लिखेंगे पर सेकेंड, क्योंकि बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, क्योंकि उन्होंने यूनिट नहीं दी तो हमने उस यूनिट को यहाँ पर यूज कर लिया, अदरवाइज खाली नंबर के टर्म्स में आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन अब हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग हमारी जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्टिंग में ही हम लोगों को वेलोसिटी वर्ड आ गया, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी को लिखनी है, तो डेफिनेशन लिखेंगे इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ये अपन लोगों ने कंडक्टर लिया, एक्सटर्नल फील्ड से अपने इसको ज्वाइन करवाया, बैटरी अपन ने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बनाया। अब जिस फोर्स से ये खींच रहे हैं वो फोर्स हुआ −QE, माइनस साइन क्या बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फॉर्मूला बोलता है F इज इक्वल टू QE, मैंने बोर्ड पे −EE लिखा है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q की जगह E ले लिया, और नेगेटिव साइन का रिजेम्बलेंस है कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट फोर्स जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन हमने क्या बोली कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी वेलोसिटी हैं उन सबका एवरेज निकाल दीजिए, तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट करना मतलब मूव करना, खींच के अपन एक तरफ लेकर आए, ड्रिफ्टेड किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि V इज इक्वल टू V1 + V2 + ये। अब प्रॉपर अगर लिखने जाओगे तो बेटा यहाँ पर कैसा लिखा था है कि V की जगह हम लोग यूज करना पसंद करते हैं U, ये वाला मैंने इसलिए बताया कि उन्होंने अगर आपकी वेलोसिटी दे रखी है तो आप डायरेक्ट ही पुट अप कर रहे हो, अदरवाइज इन सब की इनिशियल वेलोसिटी U थी, U1, U2, U3 इन सब की, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी है u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद ये एक डायरेक्शन में मूव करे, दे आर ड्रिफ्टेड, खिंचाव आ गया इनके ऊपर। तो इनकी जो अब वेलोसिटी हुई, उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। अब फॉर्मूला बोलता है, क्या बोलेगा फॉर्मूला? है ना, हमें क्या मालूम है, इसलिए अपन इसको लिखते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u1 प्लस ए टी वन प्लस u2 प्लस ए टी टू। चलो मैम, आपने u1 क्यों मिटा दिया, इनिशियल के टर्म्स में दे रखा हो, तो u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन। नॉर्मली वो लोग इस टर्म में देते हैं कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। v इज इक्वल टू u1 प्लस at1 u2 प्लस at2 प्लस डॉट 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 ज्यादा की जा रहा है अपॉन में n। ठीक, तो v इज इक्वल टू सब में a कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट अगर पूरा ओपन कर दे तो पहले तो a कॉमन निकाल दो, फिर हमारे पास बचा u1 प्लस t1 प्लस u2 प्लस t2 प्लस डॉट 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 un प्लस tn अपॉन n। और आगे बढ़े तो हमने u1 u2 un को एक साथ ले लिया प्लस t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn को एक साथ ले लिया। क्या इससे हमारे फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये कोई डेरिवेशन है? नेवर, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कोई पार्ट लिखने जैसा नहीं है, ये खाली एक्सप्लेनेशन है कि भाई हम लोग इसे किन किन वैरायटीज में बदल सकते हैं। खाली फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये तरीका ना आपसे कोई एग्जाम में पूछ रहा है और ना आपको किसी न्यूमेरिकल पे इसे अप्लाई करना। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि लिखने का ये भी तरीका हो सकता है। चलो अब थोड़ा सा स्कूल जैसा कि हाँ भाई हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा में हो गया। हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली जब आप लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो, उस वक्त इनिशियली द चार्जेस आर एट रेस्ट, तो ये पार्ट जीरो हो गया, v इज इक्वल टू जीरो प्लस at, पता चलता है। v इज इक्वल टू a, एक्सीलरेशन क्या होता है, f इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू f अपॉन m। a की जगह मैंने लिखा f अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय t। f क्या हुआ, तो अभी अपन लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था कि f इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास एक नया बन गया, v इज इक्वल टू माइनस क्यू ई टी बाय m। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा लिखते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। बहुत दिन से आप पोटेंशियल पोटेंशियल लिख रहे हो, तो ध्यान रखना है ये v जो है ये वेलोसिटी है। दिस इज इक्वल टू माइनस q, टोटल चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m। और ये जो टाइम पीरियड t है इसे हम नया रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अब अपन चेंज कर रहे हैं। ये नया रिप्रेजेंटेशन है tau, ये जो सिंबल है इसे हम प्रोनाउंस करेंगे tau, विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। भाई टाइम, अभी तक तो अपन टाइम डी 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 लिखते आ रहे थे, अब थोड़ा सा एक चेंज कर दिया कि भाई जब वर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर रहे हो तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो टाइम होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो टाइम मतलब टाइम। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते टाइम आंसर बोर्ड में फर्क पड़ता है,
हमें उसे रिप्रेजेंट करना है बाय टाउ. दिस टाउ इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. अब क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, देखिए ये हमारा कंडक्टर है, हमने इसे एक्सटर्नल फील्ड से ज्वाइन भी कर दिया. इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं. यहां तक पार्ट आपको समझ में आता है कि F इज इक्वल टू माइनस E, ये पता चलो. अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, रुकते हैं. दे गेट एक्सीलरेटेड बिफोर अंडरगोइंग एनी कोलिजन. क्या बोलते हैं कि बिफोर एनी कोलिजन, आपस में टकराने से पहले these three electrons accelerate and this time is called as relaxation time. सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए कि आपने कोई चीज को टकराना है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर जाएंगे तो ये आपस में टकराएंगे, ये बॉल ऑफ द कंडक्टर से टकरा रहे, थोड़ा बहुत कोलिशन तो बनता है ना. तो जब ये ड्रिफ्ट करना चालू करे, इन्होंने कोलाइड किया, उससे पहले इनको क्या चाहिए, एक्सीलरेट होना. इनमें इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि ये लोग स्पीडली मूव करना चालू करें. तो पहले वो रुकेंगे, एक्सीलरेट होंगे और उसके बाद में कोलाइड करें. ठीक, तो वो जो टाइम उन्होंने लिया टू गेट एक्सीलरेट, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स before undergoing any collision to get accelerated, the time taken by electrons before undergoing any collision to get accelerated is called as relaxation time. ये जो आपने पार्ट पढ़ा, ये सिर्फ इसमें से पूरे में से अपने को एक वर्ड चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बाकी जो कुछ भी है वो आगे पीछे ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. उसके अलावा आपको मैंने जो न्यूमेरिकल कराया दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू और वन मार्क क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आप वो न्यूमेरिकल देख लेंगे. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो पार्ट जो हमें करना है, हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन drift velocity and electric current. Relation between drift velocity and electric current. ये अपने को करना है. Definitely आप इसे छोड़ेंगे नहीं. यहाँ पे अपने कंडक्टर सेम, डायग्राम सेम है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L. उसके बाद हमारे पास drift velocity. Velocity is a vector quantity. तो उसे रिजेंबल करिए, वेक्टर क्वांटिटी है बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है. डायरेक्शन ध्यान रखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगी. ठीक, अब स्टेटमेंट लिखिए, कंसिडर अ कंडक्टर of length L and area A. Capital A use करिएगा क्योंकि acceleration को हम small a देते हैं, तो area अभी अपन capital A से denote करेंगे. Consider a conductor of length L and area capital A. Volume पूरा ही लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे भी हो जाएंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ कैपिटल ए इंटू एल. नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन नंबर को हमने पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू ए एल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू n ए एल.
नेक्स्ट लाइन में द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, द टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन ई, पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एन ए एल और मल्टीप्लाइड बाय ई, टोटल नंबर हमने निकाला एन ए एल, तो एन ए एल मल्टीप्लाइड बाय ई, ठीक। नेक्स्ट लाइन में द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर, टी इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस चल रहा है, मतलब एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी वी डी, ठीक। नाउ करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, गौर से देखिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू हमारे लिए है एन ए एल ई और टाइम हमारे लिए है एल अपॉन वी डी, अपॉन वाला वी डी मैंने ऊपर ले लिया, एल और एल कट हो गया, फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू एन ए वी डी। This is the important formula which you have to learn and also the derivation. भले ये छोटा सा derivation है, but still आपको 2 mark के हिसाब से इसे करना है। Statements पूरे लिखे हुए होने चाहिए, जैसे मैंने dictate करे। I is equal to N A E V D.